दोस्तों थंबनेल तो आपने देख लिया होगा, जियो यूजर के लिए सबसे बड़ी खबर आई दोस्तों। साल के अंत होते होते दोस्तों यहाँ पे जियो के लिए सबसे बड़ी यहाँ पे खबर आई, जहां पे जियो ने एयरटेल आइडिया वोडाफोन सभी को पछाड़ते हुए फिर से दोस्तों यहाँ पे बादशाह बन चुका है। फ्रेंड्स 9.1 मिलियन, ये सोचो 9.1 मिलियन नए सब्सक्राइबर दोस्तों यहाँ पे अक्टूबर महीने में जियो ने एड किए। दोस्तों क्या है पूरी की पूरी रिपोर्ट और कहाँ पे दोस्तों सारी की सारी कंपनियां बैठती है और किस तरह से दोस्तों जियो अब रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज बने इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और हमें बनाइए 1 मिलियन की टेक्नो नील फैमिली। इसके साथ साथ इस घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले सारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों ट्राई जो है समय समय पर दोस्तों हर महीने रिपोर्ट जाहिर करता है, बताता है कि कौन सी कंपनी टेलीकॉम कंपनी कितने सब्सक्राइबर दोस्तों ऐड किए, किसको सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर लेटेस्ट अक्टूबर महीने की दोस्तों अक्टूबर 2019 की दोस्तों रिपोर्ट निकल के आई है, जहां पे दोस्तों अचंभा तो ये हो रहा है कि यहां पे जो बातें की जा रही थी कि जियो ने आईयूसी चार्जेस यहां पे लगा दिए, इंटरकनेक्ट यूजर्स चार्जेस दोस्तों जियो ने लगा दिए। आप सभी जानते हैं कि जियो के हर प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग अभी फिलहाल नहीं मिलती है, अदर नेटवर्क पर कॉल करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और अलग रिचार्ज करना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो एयरटेल आइडिया वोडाफोन आपको फिलहाल अनलिमिटेड कॉलिंग देते हैं, किसी भी तरह की कोई कैपिंग यहां पे एयरटेल आइडिया वोडाफोन नहीं लगाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जियो की जो अक्टूबर महीने की रिपोर्ट आएगी वहां पे जियो को सब्सक्राइबर छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। लेटेस्ट रिपोर्ट दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे रिलायंस जो आई है दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने यहां पे 9.1 मिलियन दोस्तों सब्सक्राइबर एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जिसको अक्टूबर महीने में यहां पे अचीव कर लिया। सबसे ज्यादा एड करने वाले दोस्तों सब्सक्राइबर में जियो नंबर वन है। अभी भी दोस्तों यहां पे 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर दोस्तों यहां पे अक्टूबर महीने में एड किए। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है हमारी भारतीय सरकारी कंपनी बीएसएनएल। बीएसएनएल ने भी दोस्तों यहां पे कुछ ऐड किए, 2.8 लाख, यस मिलियन तो नहीं लेकिन 2.8 लाख, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर दोस्तों यहां पे बीएसएनएल ने ऐड किए। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल की, तो वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं दोस्तों तो 1.9 लाख, यस दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, 1.9 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए। और एयरटेल ने दोस्तों यहां पे 81,974 यानी ऑलमोस्ट 82,000 सब्सक्राइबर, ये लोग दोस्तों लाख और 1.5 लाख में खेलने लगे। लेकिन 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर जियो ने अक्टूबर महीने के अंदर दोस्तों यहां पे ऐड किया, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बोला जाता है दोस्तों। अभी अगर बात कर लीजिए अक्टूबर 2019 में दोस्तों ईयर एंड की बात कर लीजिए, तो अभी फिलहाल अगर टेलीकॉम सेक्टर में दोस्तों अगर कितना मार्केट शेयर किसका है, तो अभी फिलहाल दोस्तों वोडाफोन आइडिया फिलहाल तो नंबर वन दिख रहे हैं यहां पे, जो 31.49 यानी 31.49% के साथ नंबर वन पे है। लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे दोस्तों जियो ज्यादा दूर नहीं है, एक दो महीने में उसको कवर कर लेगा। यहां पे जियो का अगर मार्केट कैप देखा जाए दोस्तों इंडिया टेलीकॉम सेक्टर में, तो वो 30.79 यानी 30.79% दोस्तों मार्केट शेयर है। उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तीसरे नंबर पे, तो भारतीय एयरटेल यहां पे आता है 27.52% के साथ यहां पे भारतीय एयरटेल आता है। उसके साथ साथ दोस्तों बीएसएनएल और हमारा एमटीएनएल अगर दोनों की कैलकुलेशन कर ली जाए, तो ये दोस्तों आते हैं 10.20 यानी ऑलमोस्ट 10.5% का दोस्तों मार्केट शेयर यहां पे आता है। तो दोस्तों अक्टूबर महीने की अगर बात कर ली जाए, तो यहां पे बहुत अच्छा यहां पे न्यूज निकल के आई है। जो स्पेकुलेशन लगाया जाता है, हालांकि हम भी स्पेकुलेट कर रहे थे कि जियो ने जो आईयूसी चार्जेस लगाए लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे और लोग यहां पे उसको पोर्ट करते हुए एयरटेल आइडिया वोडाफोन के पास जा रहे हैं, लेकिन ये चीज दोस्तों कुछ अलग निकल के आई है। ट्राई का डेटा तो दोस्तों यहां पे ये बोलता है कि अक्टूबर महीने के अंदर दोस्तों यहां पे जियो ने सब्सक्राइबर छोड़ने की जगह दोस्तों 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर यहां पे ऐड किए हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन एक पॉजिटिव दोस्तों बात ये भी निकल के आई कि जो बाकी कंपनियां एयरटेल आइडिया वोडाफोन की बात कर लीजिए, जो पिछले 6-8 महीने से सब्सक्राइबर लॉस्ट कर रही थी, उन्हें सब्सक्राइबर छोड़ के भाग रहे थे, अब दोस्तों वो थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े सब्सक्राइबर यहां पे आए वोडाफोन आइडिया की। जैसे कि मैंने बात की आपको, वोडाफोन आइडिया ने भी दोस्तों ऑलमोस्ट 1.9 लाख यानी 2 लाख सब्सक्राइबर ऐड किए और ऑलमोस्ट 82,000 सब्सक्राइबर यहां पे भारतीय एयरटेल ने भी अपने प्लेटफॉर्म पे नए लेके आए दोस्तों। तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, देखते हैं अगले टाइम में क्या होगा। लेकिन जियो ने फिर से साबित कर दिया कि जियो फिलहाल दोस्तों कहीं जाने वाला नहीं और जियो लोगों का चहेता फिलहाल है। फ्रेंड्स मुझे बताइए दोस्तों कि आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे, मुझे ये बताइए कि जियो के आईयूसी चार्जेस आने के बाद आप कितने निराश से और आप दोस्तों कौन सा नेटवर्क यूज करते हैं, क्या स्पीड आपको मिलती, प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो एक थम्स अप तो दे देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब का बटन बोलते हैं, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए। उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नो नील फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे,
उसके पास ही देखिएगा एक घंटे का बटन, उसको जोर दबा देना। उसको दबाने से जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा, सबसे पहले आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन, सबसे पहले आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो फ्रेंड्स। और हमारे चैनल पे दोस्तों गिव अवे चल रहा है मस्त बढ़िया से ब्लूटूथ स्पीकर का, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दोस्तों। जाइए फटाफट से उसमें पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि 15 या 16 तारीख को दोस्तों, 16 जनवरी को उसका फाइनल कॉन्टेस्ट का दोस्तों रिजल्ट आएगा, और अगर आप लकी हुए तो आपको मिल सकता है दोस्तों ये बढ़िया सा ब्लूटूथ स्पीकर। तो जाइए फटाफट से कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।